हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डॉक्टर्स में आपका वेलकम। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा क्योंकि इस तरह का वीडियो आप देखते ही होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यूज इन पे देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाना भी बहुत आसान होता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता इस तरह का वीडियो बनाने में और एक्टिंग में तो बहुत ही कम समय लगता है। तो दोस्तों सारे लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं टेलीग्राम सारे ग्रीन इफेक्ट साउंड इफेक्ट वहाँ पे देता हूँ और मैं नहीं चाहता कोई भी भाई मेरा परेशान हो, क्योंकि मैं कोई भी ट्यूटोरियल बनाऊँ और उसका इफेक्ट को लेकर कोई भी भाई मेरा परेशान हो। सभी लोग कोई भी कभी भी टेलीग्राम में ज्वाइन हो तो उसको सारे इफेक्ट साउंड ग्रीन स्क्रीन सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो क्योंकि मैं आपकी देखो यहाँ पे हेल्प करने के लिए आया हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा एक लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग VFX मैजिक वीडियो का ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज आपके लिए खुशखबरी भी है। खुशखबरी क्या है, क्योंकि आज से मैं आप सभी का प्रमोशन करूंगा स्टार्ट और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी पिछली वीडियो में कौन भाई हमारा विनर रहा है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आज कौन विनर निकलेगा और जो भी भाई विनर निकले उसको आप सपोर्ट करना, उनके चैनल पे जाके सपोर्ट करना। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन हमारा विनर रहा। ये देखिए वाह, ये मैम जो है यहाँ पे विनर निकली है आज, अनुपमा प्रकाश इनका चैनल है और इनके चैनल का स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इनके चैनल पे जाओ और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इनके चैनल पे कमेंट्स करो, इनको सपोर्ट करो। और इनके चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इनको सपोर्ट करें। ये प्रक्रिया आपको हर वीडियो में मिलेगी, बंदा यहाँ से विनर होगा और उस विनर भाई को आपको जाके सपोर्ट करना है और इसी तरीके से आपको एक दूसरे का सपोर्ट करना है और आगे बढ़ना है। एक दूसरे का सपोर्ट करोगे तो 101% आप यहां से ग्रो करोगे। अब हम कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देखिए वीडियो को आपको शूट कैसे करना है, इस तरीके से आपको शूट करना है। इधर आपको मेरा एडिटिंग से पहले का वीडियो चल रहा होगा और इस साइड में आप देखिए एडिटिंग के बाद का वीडियो चल रहा है। तो इस तरीके से आपको वीडियो को शूट कर लेना है। अब शूट करने के बाद अब हम चलते हैं सीधे एडिटिंग की ओर, काइन मास्टर में। क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो लेना है और यहाँ पे हम लेके आएंगे अपना वीडियो। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पार्ट कट करना है, तो देखिए हमारा जैसे यहाँ से ये देखिए यहाँ से वीडियो शुरू होगा तो आगे का हम कैची में जाके ट्रिम लेफ्ट करेंगे, आगे का हिस्सा कट जाएगा। अब हम बैग आएंगे, इसके लास्ट में देखेंगे, यहाँ से देखिए हमारा एक्टिंग ख़त्म हो गया है तो हम यहाँ से ट्रिम राइट कर देंगे, यानी कि दोनों का सिरा हमारा कट गया है। अब हमें इसको वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना है क्योंकि हमारी जो है लोकेशन बहुत पीछे है, तो हम इसको इस तरकीब से जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इसको हम बराबर कर देंगे ताकि ये वीडियो हमारा एक जगह स्थाई रहे। तो ये हमारा हो गया। अब हमने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पे पिक्चर ले आनी है अपनी बादल वाली, तो वो हम यहाँ पे ले आते हैं। तो इसको हम इस टाइप से कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया। करने के बाद इसमें आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में जाके आपको डार्कन कर देना है तो ये आपके बैकग्राउंड में चला जाएगा। अब इसकी लेंथ आपको वीडियो के बराबर कर लेनी है इस टाइप से, ठीक है। ये आपने कर लिया है। करने के बाद हल्का सा क्वालिटी मैनेज करेंगे, एडजस्टमेंट में जाके इसको हल्का सा एडजस्ट कर लेंगे इस टाइप से, हल्का हल्का एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने ये एडजस्ट कर लिया है। अब देखिए जैसे हमने ये पहला हाथ किया, ये देखिए हमने ये हाथ किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंची में जाएंगे और यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे और स्प्लिट करने के बाद यहाँ ले लेंगे हम कैप्चर, यानी कैप्चर एंड सेव कर लेंगे। अभी देखिए हमारा कैप्चर हो गया। अब दूसरा हमने जैसे ये वाला हाथ किया, ऐसे यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे वीडियो पे और कैंची में जाएंगे, इसको भी स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे एक हम कैप्चर। इसी तरकीब से हमने आगे बढ़ना है। हमने जैसे ये पैर किया तो ये देखिए हमने ये पैर किया है, तो यहाँ पे हम इस कैंची में जाकर स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे एक कैप्चर। इसी टाइप से आपने जितने भी एक्ट किए हैं वहाँ वहाँ जा जाके आपने यहाँ पे जैसे रोका, इसको आपने यहाँ से कर लिया स्प्लिट और ले लिया कैप्चर। अब देखिए ये भी हमारा कैप्चर हो गया। अब देखिए जैसे आपने ये हाथ ये किया आपने, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, स्प्लिट कर देना है और यहाँ पे भी ले लेना है कैप्चर। अब ये कैप्चर होने वाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने ये वाले हाथ किए ऐसे, तो यहाँ पे भी हम स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे हम
कैप्चर, ये हमने ले लिया। अब देखिए इधर हम हाथ करेंगे, ये हमने हाथ किए, ये देखिए ये, तो हम यहाँ पे भी करेंगे स्प्लिट और यहाँ पे भी लेंगे कैप्चर। और जैसे हम देखिए ऊपर को उछलें, तो जैसे हम यहाँ तक गए तो हमने यहाँ पे स्प्लिट में जा कैची में जाके स्प्लिट करना है और यहाँ पे भी लेना है कैप्चर। अब ये हो गया, अब आपको फिर आगे बढ़ना है, फिर आपने देखना है नेक्स्ट। ये आपने जैसे हाथ किए, ये देखिए, तो यहाँ पे भी आपको कैंची में जाके स्प्लिट करना है और यहाँ पे भी ले लेना है कैप्चर। इस स्टेप से अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने ये हाथ किए हैं ऐसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे कैंची में, स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे हम कैप्चर। फिर आगे बढ़ेंगे और जैसे अब हमने ये वाला एक्ट किया है, तो यहाँ पे भी हम स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे कैप्चर। अब देखेंगे लास्ट में हमारा ये है, ये, तो यहाँ पे भी एक स्प्लिट करके यहाँ पे भी एक ले लेंगे कैप्चर। तो ये हमारे सारे कैप्चर हो गए। अब हमने यहाँ से कट कर देना है। अब आपके फ़ोन में एक होना चाहिए बैकग्राउंड रेजर, और यहाँ पे आपको लोड एंड फोटो पे क्लिक करना है। अब जैसे आपने पहला वाला जो लिया है, तो पहला एक सीरियल वाइज आपको लेते जाना है और यहाँ से मैनुअल तरीके से हाथ वाला निकाल लेना है। जैसे हाथ वाला है तो हाथ वाला हम यहाँ निकाल लेंगे। अब देखिए इस टाइप से हमने ये हाथ वाला निकाल लिया, इसको हमने डन करना है और इसको हमने नंबर दो पे करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। इस टाइप से आपको जिस में आपने जितने भी करे हैं हाथ वाले पैर वाले, इस टाइप से आपको सारे निकाल लेने हैं। तो देखिए इस टाइप से हमने सारे निकाल लिए हैं, इस टाइप से आपको सभी निकाल लेने हैं। निकालने के बाद अब हम चलते हैं काइन मास्टर में। अब देखिए हमने शुरू में आना है और आने के बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और हमने जैसे पहले हाथ वाला, तो हाथ वाला ले आना है। और लाने के बाद इसको आपको करना है इस टाइप से फुल फ्रेम, यहाँ से ऐसे मिलाना है। फुल फ्रेम आपने किया, करने के बाद जैसे अब आपने ऊपर जहाँ से स्प्लिट किया है, तो इसके एंड में आना है और इसकी लेंथ आपको इसके बराबर करनी है। तो ये आपके हाथ से मैच हो गया। अब आपने यहाँ पे इसको ले जाना है स्टेप से ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे की फ्रेम दे देना है, प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद इसको आपको स्टेप से ले आना नीचे, तो ये आपका स्टेप से लग गया। तो इसको आप जब प्ले करके देखेंगे तो स्टेप से आपका हो गया, ये हो गया। अब आपने ऐसी जैसे अब ये आपका ख़त्म हो गया। अब आपने यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्प्लिट किया है, तो यहाँ पे आना है और लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और दूसरा वाला हाथ ले आना है। अभी देखिए हमारा दूसरा वाला हाथ आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम करेंगे फुल फ्रेम और इसके एंड में आएंगे जहाँ से हमने स्प्लिट किया है, और इसकी लेंथ हम करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और इसको हम ले जाएंगे ऊपर, ले जाने के बाद इसको करेंगे प्लस और इसको ला के नीचे स्टेप से मैच कर देंगे, ठीक। ये भी हमारा हो गया। अब इसी टाइप से आपको सारे लाते जाना है सीरियल बाय सीरियल। इसके एंड में यहाँ से शुरू गए, तो सेकंड वाला आपने कौन सा कैप्चर लिया उसको लाते हुए आना है। तो अब मैं इसको फाइनली करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने इस टाइप से ये सारे कर लिए हैं। अब एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं कैसे हमारा ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर देखो वीडियो स्लो चल रहा है ना, आपको लग रहा हो वीडियो स्लो चल रहा है, लेकिन आपने जो वीडियो देखा होगा बहुत फास्टिंग मोड में होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको हम इसको पहले सेव कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको सेव कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब सेव करने के बाद हमने आना है बैग, और हमने फिर से क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। 16:9:16 का रेशो लेके हमने जो अभी फाइल सेव किया है, तो उसको हमने दोबारा ले आना है। तो जैसे हमने ये बना लिया है, तो इसको हम जैसे दोबारा लेके आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को जो है हम बढ़ा देंगे, 1.4 कर देंगे इसकी स्पीड। अब आप देखिए इसको, ये अब देखिए स्पीड के साथ बन गया जैसे हमारा उस वीडियो में स्पीड था, तो ये स्पीड के साथ ऐड हो गया। इसी टाइप से आपने स्पीड बढ़ा लेनी। अब इसमें रह गया केवल म्यूजिक ऐड करने का काम, इसमें आपको म्यूजिक ऐड कर लेना है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो, आज का इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप इस तरीके का वीडियो आराम से बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।